नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो पे हक द बॉक्स स्टार्टिंग पॉइंट के टियर वन का सीक्वल मशीन को क्रैक किया था। इस वीडियो में हम इसी टियर के क्रोकोडाइल मशीन को क्रैक करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो सब देखा होगा तो आपको मालूम है कि वीपीएन से कैसे कनेक्ट करना है। अगर नहीं पता तो जो डायरेक्टरी में आपने वीपीएन फाइल को डाउनलोड किया है उन डायरेक्टरी को ओपन कीजिए और उसके बाद राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, फिर टाइप करना है सूडो ओपन ओपन वीपीएन, फिर फाइल का नाम। ऑटो कंप्लीट करने के लिए मैंने अभी टैब बटन प्रेस किया, उसके बाद सूडो पासवर्ड एंटर करने के बाद एंटर पे क्लिक कीजिए। सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, तो वेबसाइट को ओपन करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट टीयर वन क्रोकोडाइल मशीन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो ग्रीन बटन है स्पॉन मशीन, इसको इसके ऊपर क्लिक कीजिए। मशीन ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तब तक मशीन अभी स्टार्ट हो गया है और हमें आईपी मिला है 10.129.110.223। मशीन से कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आईपी एड्रेस पर क्लिक कीजिए। यह अभी कॉपी हो गया। उसके बाद टर्मिनल ओपन करके टाइप कीजिए पिंग, राइट क्लिक पेस्ट, एंटर। तो ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, व्हाट एन मैप स्कैनिंग स्विच एम्प्लॉयज द यूज़ ऑफ डिफॉल्ट स्क्रिप्ट ड्यूरिंग ए स्कैन। तो एन मैप का कौन सा स्विच से डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैनिंग एम्प्लॉय किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे सीखा था कि हाइफन स्मॉल एस कैपिटल सी स्विच यूज़ करने से डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैनिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइफन स्मॉल एस कैपिटल सी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट सर्विस वर्जन इज फाउंड टू बी रनिंग ऑन पोर्ट 21। तो उसके लिए अभी एनमैप स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के लिए एनमैप हाइफन स्मॉल एस सी स्क्रिप्ट स्कैन के लिए, स्मॉल एस भी पोर्ट स्कैन के लिए, और उसके बाद आईपी एड्रेस। एनमैप का रिजल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं अभी थोड़ा और एक बार वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। रिजल्ट आने के बाद मैं वीडियो को रिज्यूम कर लूँगा। वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी एनमैप स्कैन का रिज़ल्ट आ गया है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट सर्विस वर्जन इज़ फाउंड टू बी रनिंग ऑन पोर्ट 21। तो पोर्ट 21 पे अपना जो सर्विस वर्जन रनिंग है वो है VSFTPD स्पेस 3.0.3। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। व्हाट एफटीपी कोड इज रिटर्न टू अस फॉर द एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड मैसेज। तो जैसे एनमैप स्कैन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आया है कि एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड और उसका एफटीपी कोड है 230। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 230। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट कमांड कैन वी यूज़ टू डाउनलोड द फाइल वी फाइंड ऑन द एफटीपी सर्वर। तो
पहले भी हमने FTP सर्वर यूज़ किया था, FTP सर्वर से कनेक्ट करने के लिए FTP क्लाइंट यूज़ किया था। तो कोई भी फाइल डाउनलोड करने के लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है वो है गेट। ओके, तो पांचवा सवाल है, व्हाट इज़ वन ऑफ द हायर प्रिविलेज साउंडिंग यूज़र नेम इन द लिस्ट वी रिट्रीव्ड। तो सबसे पहले लिस्ट रिट्रीव्ड करना पड़ेगा FTP सर्वर से, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। और अभी FTP सर्वर से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो FTP सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें IP एड्रेस चाहिए होगा। IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। अभी टाइप करना है FTP स्पेस फिर IP एड्रेस। अभी ये नेम पूछ रहा है क्योंकि एनोनिमस लॉगिन अलाउड था, तो हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे एनोनिमस। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अभी हम FTP सर्वर के अंदर हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फाइल मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फाइल्स हैं, अलाउड डॉट यूज़र लिस्ट और एक अलाउड डॉट यूज़र लिस्ट डॉट PASSWD। ओके, तो ये दोनों फाइल हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए कमांड टाइप कीजिए गेट अलाउड यूज़र लिस्ट। सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। अब दूसरा पासवर्ड लिस्ट डाउनलोड करने के लिए गेट अलाउड यूज़र लिस्ट डॉट PASSWD। दूसरा फाइल भी अभी डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड किस डायरेक्टरी पे हुआ होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग FTP कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले रूट डायरेक्टरी पे थे, तो ये सारे फाइल्स रूट डायरेक्टरी पे डाउनलोड हो गए होंगे। तो रूट डायरेक्टरी पे चलते हैं। ये रहे अपना दोनों फाइल। ये दोनों फाइल को हम लोग कॉपी करके इसके रिस्पेक्टिव फोल्डर पर डाल देते हैं, हैक द बॉक्स। और यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बनाना है, नाम है Tier 1। थोड़ा ऑर्गेनाइज रहने के लिए मैं फोल्डर सब बना दे रहा हूँ। क्रोकोडाइल, तो अपने पास अलाउड यूज़र लिस्ट और अलाउड यूज़र लिस्ट पासवर्ड। पहले अलाउड यूज़र लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें तीन यूज़र नेम मिला है, अरोन PWNMEO, पॉन मियो इगोटिस्टिकल SW, क्या है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, और फोर्थ जो है वो है एडमिन। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज यूज़र नेम जो है वो लॉगिन जैसे लग रहा है। तो अपना फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा एडमिन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर्जन ऑफ अपाचे HTTP सर्विस इज रनिंग ऑन द टारगेट होस्ट। अपाचे HTTP का कौन सा वर्जन होस्ट पे रनिंग है? तो क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था nmap स्कैन को, तो अभी फिर से मुझे और एक बार स्कैन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ बेयर विथ मी, मैं और एक बार स्कैन करके आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूं। ओके, तो अभी अपना nmap का स्कैन रिज़ल्ट आ गया है। तो जैसे कि अपना सिक्स्थ क्वेश्चन था कि व्हाट वर्जन ऑफ अपाचे HTTP सर्विस रनिंग ऑन द टारगेट होस्ट। तो यहां देख सकते हैं पोर्ट नंबर 80 पे अपाचे HTTP रनिंग है, जिसका वर्जन है 2.4.41। कॉपी पेस्ट। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए हैंडी वेबसाइट एनालिसिस प्लगइन वी कैन इंस्टॉल इन आवर ब्राउज़र। तो आप अगर थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही एक ब्राउज़र का नाम, मतलब प्लगइन का नाम है,
वेपलाइजर स्पेलिंग है उसका, WAPPALYZER। ये एक प्लगइन है जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे। ये मतलब एक वेबसाइट पे जब आप नेविगेट करते हैं, जैसे पे google.com पे गए तो, और फिर ये प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कौन कौन से टेक्नोलॉजीज इस पे यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाई जा रहा है कि गूगल का वेब सर्वर गूगल वेब सर्वर से होस्टेड है। जैसे मैं और कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे कि facebook.com, और यहाँ वेपलाइजर पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है होम पेज पे। दूसरा कुछ देखते हैं, दूसरा क्या है, Pinterest, ये एक फेमस वेबसाइट है। तो देखते हैं इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे कि अपना रिज़ल्ट आया, यहाँ पर देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का लोडेबल कंपोनेंट्स लाइब्रेरी, कोड जेएस और एनवॉय रिवर्स प्रॉक्सी पे एनवॉय, और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ये रिएक्ट पे बिल्ड किया गया है। इस तरीके से पता चल सकता है। इसका आंसर होगा वेपलाइजर, WAPPALYZER। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट स्विच कैन वी यूज विद गोबस्टर टू स्पेसिफाई वी आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक फाइल टाइप। तो उसके लिए गोबस्टर का हेल्प सेक्शन देखेंगे। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, नया विंडो खोलेंगे, गोबस्टर हेल्प। ओके, तो यहाँ पे जैसे आखिरी में देख सकते हैं कि हाइफ़न एक्स जो है फाइल एक्सटेंशन स्पेसिफाई करने के लिए है। कोई फाइल टाइप का मतलब कौन सा फाइल है वो कैसे पता चलेगा उसका फाइल एक्सटेंशन से। तो अगर आप हाइफ़न एक्स देके उसका फाइल टाइप मेंशन कर देंगे, उसका एक्सटेंशन का नेम, जैसे .html हो गया, .css, .js, तो ये बस वही फाइल सबको डिस्कवर करेगा स्कैन में। इसका आंसर होगा हाइफ़न एक्स। अपना नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट फाइल वी हैव फाउंड दैट कैन प्रोवाइड अस ए फुट होल्ड ऑन द टारगेट। अच्छा, तो हमें अभी एक फाइल सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए गोबस्टर का यूज़ करेंगे हम। गोबस्टर ना URL है, कॉपी किया गया था शायद, नहीं अपना URL होगा वो IP एड्रेस। मैं डायरेक्टली इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि जैसे कि हमने पिछले nmap स्कैन पे देखा था कि इसमें पोर्ट 80 पे अपाचे HTTP सर्विस चल रहा है, मतलब एक वेबसाइट रनिंग हो रहा है। अगर आप उसको मतलब कंफर्म करना चाहते हैं तो IP एड्रेस को क्लिक कीजिए और ब्राउज़र के ये जो एड्रेस बार है उस पे पेस्ट करके आप देख सकते हैं। देखिए ये एक वेबसाइट इसमें होस्टेड है, तो अभी इसमें हम गोबस्टर स्कैन करेंगे। ये हो गया यूज़र नेम के लिए ये, और वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करने के लिए हाइफ़न W फिर वर्ड लिस्ट का पाथ। अपने पास वर्ड लिस्ट है, हैक के अंदर आपका पाथ डिफरेंट हो सकता है। आप स्पेक लिस्ट कहीं से डाउनलोड करके रख सकते हैं, गूगल पे आप लोग अगर स्पेक लिस्ट सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर मिसलेनियस वेब पे नहीं, मिसलेनियस पे ये जो कॉमन कुछ था, कहाँ पे था, मिसलेनियस पे नहीं था ये शायद, तो डिस्कवरी वेब कंटेंट। अच्छा, तो ये अपने पास है रूट हैक गोबस्टर स्पेक लिस्ट डिस्कवरी वेब कंटेंट पे।
तो उस डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करते हैं हैक गो बस्टर सेक लिस्ट। मैं ऑटो कंप्लीट करने के लिए अभी टैब का प्रेस कर रहा हूँ, कुछ आधा टाइप करके आप टैब प्रेस कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट के लिए। वेब कंटेंट, उसके बाद कॉमन common.txt, यह हो गया वर्ड लिस्ट। और एक्सटेंशन स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे कि हमें अभी यहाँ पे PHP, JS और HTML फाइल एक्सटेंशन चाहिए, के बाद एंटर कमांड नॉट फाउंड गो बस्टर। अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, BUSTER गो बस्टर। अभी एंटर, अभी इसका सर्च स्टार्ट हो रहा है। जितने भी फाइल्स अभी सर्च रिजल्ट में हमें मिले, आप देख सकते हैं कि सबका स्टेटस आ रहा है 403। ये 403 स्टेटस वाले फाइल सबको हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो मतलब सिक्योर्ड फाइल हैं, उनको एक्सेस करने के लिए परमिशन चाहिए होगा। कोई फाइल अगर 200 का स्टेटस के साथ आता है तो वो सब फाइल एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अभी गोबस्टर का रिज़ल्ट हमें मिल गया है। अब अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें एसेट्स एक फोल्डर मिला है, config.php एक मिला है जो कि स्टेटस 200 के साथ है, मतलब ये फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। config फाइल पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। और दूसरा मिला है CSS, ये भी एक फोल्डर है, डैशबोर्ड, AQRL, फंड्स, HTML, index.js। यहाँ पर आप देखिए login.php करके एक है जो कि स्टेटस 200 के साथ आता है, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसमें शायद हमें कुछ मिल जाए। तो इसमें साइन इन करने के लिए बोल रहे हैं। पिछले टास्क में हमने FTP से कनेक्ट करके दो फाइल्स डाउनलोड किए थे, तो उसमें सब यूज़र नेम और पासवर्ड्स थे। तो उस डायरेक्टरी पे चल के देखते हैं ये यूज़र नेम और पासवर्ड काम करता है कि नहीं। Tier 1 क्रोकोडाइल, ओके। तो अलाउड यूज़र लिस्ट, एडमिन से ट्राई करते हैं, एडमिन, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड लास्ट वाला यूज़ करेंगे क्योंकि एडमिन फोर्थ रो पे है, तो यहाँ से पासवर्ड भी हम फोर्थ रो से लेंगे। पेस्ट, साइन इन, देख सकते हैं आपने अभी हैक द बॉक्स के क्रोकोडाइल मशीन को भी क्रैक कर लिया है, और यहाँ पर हमको फ्लैग मिल गया है उसका, तो फ्लैग कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये नोवा टास्क रह गया। तो इसमें व्हाट फाइल वी हैव फाउंड दैट कैन प्रोवाइड अस ए फुटहोल्ड ऑन टारगेट, तो ये था लॉगिन और PHP। तो हमें फ्लैग भी मिल गया है, तो फ्लैग को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट और सबमिट। कंग्रेचुलेशंस, आपने हैक द बॉक्स के एक और मशीन को सक्सेसफुली क्रैक कर दिया है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और हैकिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा। थैंक यू, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।